नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का प्रकोप संपूर्ण विश्व भर में बढ़ता ही जा रहा है और इसी के चलते हमारे भारत में भी संपूर्ण भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत के कई राज्यों में कर्फ्यू जैसे माहौल उत्पन्न हो गए हैं और इसी के साथ ही कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो दोस्तों, क्या होती है धारा 144 तथा क्या होते हैं इसके परिणाम यदि आप धारा 144 के आदेशों की अवहेलना करें तो, तथा क्या होती है धारा 188 IPC, तो जानेंगे सभी बातें इसी वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस की इस महामारी के चलते एक गंभीर कदम उठाने पर मजबूर हो गई है और इसी के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार द्वारा इस वायरस के प्रकोप को काबू में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में हमने देखा कि 23 मार्च से देश के तमाम जगहों पर CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। तो क्या होते हैं परिणाम यदि हम धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन करें तो, और क्या होती है धारा 188, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, क्या है धारा 144? CRPC की धारा 144 एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार की ओर से किसी विशेष स्थान या किसी क्षेत्र में एक व्यक्ति या आम जनता को विशेष गतिविधि से दूर रहने या अपने कब्जे या प्रबंधन की किसी संपत्ति के संबंध में कोई आदेश लेने के लिए यह आदेश जारी करने की शक्ति देती है। धारा 144 लगाने का आदेश मजिस्ट्रेट निम्न स्थितियों में दे सकता है, निम्न स्थितियों पर रोक लगाने के लिए दे सकता है। तो पहला आता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से नियोजित करने में बाधा उत्पन्न हो रही हो, परेशानी हो रही हो या चोट आने की आशंका हो, तो मानव जीवन को स्वास्थ्य और सुरक्षा संकट में हो। तो दोस्तों, वर्तमान में धारा 144 इसी कारण से लगाई गई है। नंबर तीसरा आता है अशांति, दंगा या उत्पीड़न की आशंका हो, तो यह आदेश एक विशेष व्यक्ति समूह, व्यक्तियों के समूह या आम जनता के खिलाफ भी पारित किया जा सकता है। साथ ही एक्सपार्टी आदेश भी पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान में भी ये जो द्वितीय कारण इसका बताया गया है कि मानव जीवन के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होने की आशंका में एक विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तथा आम जनता के खिलाफ इसे पारित किया गया है। एक विशेष मामले में कहा गया कि धारा 144 का सार परिस्थिति की तात्कालिकता है, उसके प्रभाव के कुछ हानिकारक घटनाओं को रोकने के में सक्षम होने की संभावनाओं को सक्षमता से समझा जा सकता है। अभी हाल ही में कुछ मामले ऐसे आए जिनमें कि हम जानते हैं कि देश में कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन की आंशिक या पूर्णतः घोषणा की थी। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां सरकार द्वारा CRPC की धारा 144 के तहत, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कर्फ्यू भी समझ लिया जाता है, लगा दिया गया था, पर इस धारा का इस संबंध कर्फ्यू से सटीक नहीं बैठता। तो धारा 144 लगाने के आदेश पारित कर दिए गए थे। इन राज्यों में पंजाब, नागालैंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली इत्यादि राज्य शामिल थे। अब इस लेख में हम CRPC की धारा 144 और IPC की धारा 188 के मध्य संबंधों के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं इन राज्यों द्वारा धारा 144 लागू करते समय आखिर क्या आदेश पारित किए गए थे। क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा यहां इस बात पर गौर किया जाना आवश्यक है कि इन आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होता है। जैसा कि हमने ऊपर समझा, इस बात पर ध्यान दिया जाना भी चाहिए कि कई बार इन आदेशों को लोगों के व्यक्तिगत रूप से निर्देशित कर पाना संभव नहीं होता।
ऐसे मामलों में एक्स पार्टी या एक पक्षीय आदेश के तौर पर भी इन्हें निर्देशित कर दिया जाता है, अर्थात अधिसूचना के रूप में भी इसे जारी कर दिया जाता है। गौरतलब है कि ऐसा आदेश किसी खास व्यक्ति, आम जनता या किसी खास व्यक्तियों के समूह को निर्देशित हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि यह आदेश सभी के संज्ञान में आ जाए और इसका उल्लंघन ना हो। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उल्लंघन के मामले में किसी भी व्यक्ति को यह कहकर अभियोजित नहीं चलाया जा सकता कि उसने लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन किया है, क्योंकि ऐसे आदेश को अधिसूचित ही नहीं किया गया था, अर्थात आम जनता, किसी खास व्यक्ति या समूह को निर्देशित ही नहीं किया गया था। इसी के चलते एक आम सूचना निकाली जाती है और अभी वर्तमान में धारा 144 संपूर्ण राज्य भर में लागू है। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की, धारा 144 के आदेश किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाते हैं। दिल्ली में यह आदेश कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा जारी किया गया है, जो कि IPC की धारा 188 के अंतर्गत भी एक लोक सेवक की श्रेणी में आता है। इसी के चलते ऐसे आदेशों की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को धारा 188 के अंतर्गत दंड भुगतना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि धारा 188 क्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संक्षिप्त में, हालांकि हमने ऊपर लेख में पढ़ चुके हैं कि इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित इसी आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कि COVID-19 के अंतर्गत IPC की धारा 188 क्या प्रावधान हो सकते हैं प्रशासन के आदेशों की अवहेलना किए जाने के। तो ऐसे आदेश के लिए ये जरूरी है कि यह आदेश किसी लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित होना चाहिए, जैसा कि धारा 144 CRPC के मामले में होता है। ऐसा लोक सेवक वह आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त होना अनिवार्य है। नंबर 2, धारा 188 के तहत जिसके खिलाफ मुकदमा चलाना है उस अभियुक्त को उस आदेश के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है और अभियुक्त द्वारा ऐसे आदेश की अवज्ञा होनी चाहिए। इसके अलावा इस धारा के अंतर्गत ये भी बेहद जरूरी है, ऐसी अवज्ञा के चलते या तो विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा उत्पन्न हुई हो, कोई क्षोभ या क्षति करित हुई हो, या बाधा क्षोभ क्षति का जोखिम करित हुआ हो, या करित करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई कार्य किया गया हो। नंबर 2, अगर ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य या मानव सुरक्षा को संकट करित करने वाली है, या करित करने की प्रवृत्ति रखती है, या उपद्रव करने, दंगा करने की करित रखती है, या करित करने की प्रवृत्ति रखती है, तब ही धारा 188 के अंतर्गत दंड के प्रावधान हैं और यह प्रावधान लागू किए जाते हैं। यहां ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि प्रावधान ए और प्रावधान बी दोनों ही मामलों के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान करते हैं। धारा 188 IPC और धारा 144 CRPC, यह बहुत ही स्वाभाविक है कि यदि धारा 144 CRPC के तहत लोक सेवक द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है तो ऐसे आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को धारा 188 IPC के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि धारा 144 CRPC के आदेश जारी करते हुए ही इस बात का उल्लेख उस आदेश और अधिसूचना में मिल जाता है कि उन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को धारा 188 IPC के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिन मामलों में ऐसा नहीं लिखा जाता वहां यह स्वाभाविक सा नियम है कि चूंकि वह आदेश एक लोक सेवक द्वारा धारा 144 CRPC के तहत आदेश जारी किया गया है, इसीलिए यदि उन आदेशों की अवज्ञा की जाती है तो धारा 188 IPC का तहत मामला बनता है, क्योंकि धारा 188 IPC लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा करने से संबंधित है। पटना उच्च न्यायालय ने मुद्रिका देवी वर्सेस बिहार राज्य के मामले में 2013 में यह बात स्पष्ट तौर पर कहा कि CRPC की धारा 144 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत उचित नहीं थी। वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियुक्त के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई भी बनाए रखने योग्य नहीं थी, अर्थात धारा 144 के लिए प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। यदि
धारा 144 की कार्रवाई भी कानूनन नहीं थी, तो इसके अंतर्गत धारा 188 की कार्रवाई भी नहीं बनती। अंत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज्य बनाम श्रीमती तुगला के मामले में कहा गया कि धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत किसी को दोषी तब तक नहीं करार दिया जा सकता जब तक कि लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा का परिणाम सकारात्मक रूप से साबित ना कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी धारा 144 और धारा 188 के अंतर्गत जो कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू की परिस्थितियों के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। लोक सेवक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 144 के प्रावधानों की अवज्ञा ना करें, क्योंकि ऐसा किए जाने से आपके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो दोस्तों जहां तक हो सके घर में रहें और कोई आवश्यक कार्य होने की परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति है जो कि धारा 144 कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। कुछ कुछ राज्यों में धारा 144 और कर्फ्यू जैसी स्थिति भी लागू है, वहां के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप धारा 144 के प्रावधानों को लागू पालन करें, अन्यथा आपके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यदि आपने, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।